पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी और जेएमएम नेता कल्पना सोरेन गिरिडीह पहुंची। उन्होंने हरसिंह सराय डी में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया। इस दौरान गांडी विधानसभा उपचुनाव को लेकर चर्चा की गई। कल्पना सोरेन ने कार्यकर्ताओं से ये जानने की कोशिश की कि किस तरह से गांडी विधानसभा क्षेत्र की जनता से जुड़ा जाए। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि उन्हें उनका स्नेह और ताकत चाहिए। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कल्पना सोरेन ने कहा कि अभी संघर्ष का समय है, इसलिए पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को पूरी ताकत से लड़ाई लड़नी है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में दुश्मन को समझने की जरूरत है, क्योंकि दुश्मन भाई को भाई से लड़ाकर और चाचा को भतीजे से लड़ा रहे हैं। कल्पना सोरेन ने कार्यकर्ताओं से कहा कि उन्हें लोगों को बताना है कि आज झारखंड जल रहा है, झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है, आपके बेटे और भाई को जबरदस्ती जेल में डाला गया है। उन्होंने कहा कि 2019 में हेमंत सोरेन को जितना सम्मान दिया गया था, आवाज को आगे बढ़ाना है। कल्पना सोरेन ने गांडी उपचुनाव को पूरी ताकत से लड़ने का आह्वान किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से 21 अप्रैल को रांची में होने वाली रैली में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने का आह्वान भी किया। आपको बता दें कि 20 मई को गांडी विधानसभा का उपचुनाव होगा। ये सीट जेएमएम विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद के इस्तीफा देने के बाद खाली हुई है। बीजेपी ने यहाँ से दिलीप कुमार वर्मा को प्रत्याशी बनाया है। वहीं जेएमएम ने अभी तक आधिकारिक रूप से प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं किया है, लेकिन कयास ये लगाए जा रहे हैं कि कल्पना सोरेन पार्टी की प्रत्याशी होंगी। और वहीं राज्यसभा सांसद महुआ मांझी का कहना है कि कल्पना सोरेन गांडे